हेलो दोस्तों, बायोशेषण के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए एंड आपके फैमिली के लिए एंड आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी डायबिटीज के इशू से परेशान है, राइट। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आज हम बात करें डायबिटीज की, तो आज हमारे इंडिया में 77 मिलियन पीपल डायबिटीज जैसी बीमारी से परेशान है, एंड फ्यूचर में यह संख्या बढ़ने वाली है। इस बात का आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं, राइट। एंड अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो ऑलरेडी डायबिटीज के शिकार हैं, तो उनके लिए आज हम लाए हैं बायोशेष का डाइपो जूस, बायोशेष का डाइबोशेष कैप्सूल, एंड बायोशेष की मैगी पाल कैप्सूल, एंड बायोशेष की पंच तुलसी ड्रॉप, जो कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करने वाली है, राइट। एंड वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जिसका डर हर इंसान को रहता है, राइट। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे बायोशेष के डाइबो जूस के बारे में कि क्यों यह जूस हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है। क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है सीबकथॉर्न जूस, जामुन, करेला एंड पुनर्नवा जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट का इसमें यूज किया गया है, जो कि हमारे बॉडी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं, एंड यह हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करते हैं, एंड और भी जितने सारे लक्षण होते हैं डायबिटीज के ना, उनको भी यह कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करते हैं। एंड दोस्तों, अगर बात करें बायोशेष के डायबिटीज कैप्सूल की, तो यह कैप्सूल प्योर ऑर्गेनिक है, एंड इसके अंदर आपको मिलता है गुड़मार, जामुन, करेला, मेथी, शिलाजीत एंड अश्वगंधा जैसे नेचुरल हर्ब्स को मिलाकर यह कैप्सूल बनाया गया है, राइट। जो हमारे डायबिटीज के लेवल को मेंटेन करने में और इसके और जितने भी बहुत सारे लक्षण होते हैं ना, उसको भी कम करने में यह हमारे हेल्प करते हैं, राइट। एंड इसके अलावा आप डायबिटीज कैप्सूल के अलावा आप बायोशेष का सीबकथॉर्न का बेरी ऑयल कैप्सूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड बायोशेष के पंच तुलसी भी आप इस कॉम्बो में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब इसका यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप 2 स्पून मॉर्निंग में एंड 2 स्पून इवनिंग में खाना खाने से आधा घंटा पहले आप 1 गिलास पानी में जूस का डालकर आप आराम से पी सकते हैं, एंड खाना खाने के जस्ट 30 मिनट बाद आप बायोशेष का 1 कैप्सूल मॉर्निंग में एंड 1 कैप्सूल इवनिंग में आप इसका खा सकते हैं। एंड अगर आप बायोशेष का बेरी ऑयल कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 1 कैप्सूल पूरे दिन में आप 1 कैप्सूल ही खाइए, वो भी करीब 11-12 बजे आप इसको आराम से खा सकते हैं। एंड अगर आप बायोशेष की पंच तुलसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जब भी पानी पीते हैं उसमें 2 से लेकर 3 ड्रॉप आप बायोशेष की पंच तुलसी का डाल लीजिए, एंड 2 से 3 मिनट वेट करके आप उसको पी सकते हैं। आप उसको ऑल्सो गर्म पानी में भी आप उसको पी सकते हैं, राइट। एंड डेफिनेटली अगर आप ऐसा कंज्यूम करते हैं, मॉर्निंग जूस पीते हैं फिर आफ्टर कैप्सूल खाते हैं, एंड सेम अगर आप इवनिंग में जूस पीते हैं या कैप्सूल खाते हैं, पंच तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ी बहुत अपने डाइट पे अगर आप कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली विद इन 1 मंथ आपकी डायबिटीज में आपको सुधार जरूर नजर आएगा, राइट। एंड सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स डायबो जूस, डायबो कैप्सूल, सीडोल कैप्सूल है या बैरियल कैप्सूल है या जो भी कैप्सूल है, राइट, ये आपको विदाउट एनी साइड इफेक्ट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ऑल प्रोडक्ट्स क्या है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। एंड लास्ट में दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, राइट। क्योंकि इस वीडियो से आपको तो हेल्प हो गई है, लेकिन और भी लोगों की हेल्प हो जाए तो वो आपको थैंक यू बोलेंगे, राइट। सो आप इस वीडियो को अपने पास ना रखिए, शेयर कीजिए एंड ऐसा ही प्यार बनाए रखें, राइट। बहुत जल्द मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लव एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू so much.